हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के 5G फ़ोन के बारे में, जो है रियलमी X50 Pro। जी हाँ, आज हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसके फ्यूचर के बारे में, तो इसमें 4 कैमरे हैं। दोस्तों, इसमें फ्यूचर तो बहुत हैं, लेकिन कैमरा देखो, एक 64 मेगापिक्सल का भी है और बहुत सारे फ्यूचर हैं इसके। आप देख सकते हैं यहाँ 5G स्पीड वाला फ़ोन है रियलमी लॉन्च कर रहा है, जो 4G से लगभग 10 गुना है। और बात की जाए तो इसके कलर के बारे में, तो सभी कलर आपको इशू करा दिए जाएंगे। इसके कुछ आंतरिक पार्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए अंदर का है, अंदर के कुछ पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, कुछ इन्हें पार्ट्स मिलाकर ये बनाया गया है। इसकी ग्राफिक्स की बात की जाए, 3 लेयर की ग्राफिक्स है और बोकोर चैम्बर है, और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें, कॉपर फॉइल है। अगर बात की जाए इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी 4200 mAh की है, जो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहेगा, लगभग 100% या 35 मिनट में चार्ज हो सकता है। डिस्प्ले कुछ इस तरह की दिखाई देगी, आप देख सकते हैं इसके फ्यूचर के बारे में क्या क्या नए फ्यूचर है इसके अंदर। तो अगर इसके बैक कैमरे की बात की जाए, तो एक 8 मेगापिक्सल का है और दूसरा 32 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, बात आती है सब कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो शायद अभी कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। रियलमी लॉन्च करेगा अच्छा 5G फ़ोन को। और कैमरे की बात की जाए, तो इसमें पीछे 4 कैमरे हैं और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इसके लुक की बात की जाए, तो बहुत बढ़िया लुक है मेरे हिसाब से, तो एकदम बिल्कुल झक्कास। दोस्तों, इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आपको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास में बने घंटी का आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। दोस्तों, बात की जाए इसके प्राइस के बारे में, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। बाय नाउ पर क्लिक करना है हमें, लगभग ये 48,000 रुपये का आपको पड़ेगा, 47,999 का। और फ्यूचर के बारे में, आप कलर अपने आप चॉइस कर सकते हैं, और लुक तो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्वालिटी बहुत, आप सब कुछ देख सकते हैं इसके बारे में जो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, वंदे मातरम। दोस्तों, कमेंट करके बताओ ये फ़ोन कैसा लगा, और इसका एक फ्यूचर तो रह ही गया, फिंगरप्रिंट है इसमें, आगे है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।